सीता को लेकर जा रही होगी। हनुमान जी तो राक्षसों का वध करने वाले हैं। हनुमान जी ने देखा कि ये राक्षसनी लेके जा रही, सोई हनुमान जी ने एक मुक्का मक्षक दो सो मर गई राण पूतना। हाँ बाबा ऐसे मरी होएगी पूतना, अब समझ में आएगा। फिर कहा भैया पूतना मौसिया काट काट के जलाओगो, लेकिन एक चमत्कार भो दैयमानस्य देहस्य धूमांश्च गुरु सौरभा। पूतना मौसी के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, क्या निकली? सुगंध चंदन जैसी। राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज इतनी बड़ी राक्षसनी जाने जिंदगी भर पूतन खा खाओ और जाके शरीर से सुगंध काई निकली। हा हा हा। सुखदेव जी बोले, देखो राजन थी तो पापनी महाराक्षसनी पूतना बाल घातनी, पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासन जिज्ञांस्यापि हरये स्तनम दत्ता अप सदगतिम। लेकिन इसने गोविंद के शरीर को स्पर्श कर लिया तो राक्षसनी भी पवित्र हो गई और इसका उद्धार हो गया, वरना भगवान की महिमा का क्या हुआ? भगवान की महिमा का मतलब है जिनके सन्मुख जाते ही समस्त पापों का विनाश हो जाए, उन्हीं का नाम भगवान है। आहा, पूतना के शरीर से सुगंध निकली, पूतना हो गई स्वाहा। जने अब गुने प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राम जी का बड़ा, ठाकुर जी का बड़ा स्वभाव सरल है। भक्त कितना भी बड़ा पाप कर दे, अपराध कर दे, जिंदगी भर पाप किए होंगे, कान खोलकर सुन लेना, तुमने जितने भी आज तक पाप किए, और अगर आज कह दिया ठाकुर जी आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे, फिर ठाकुर जी कोई अवगुण नहीं देखते, फिर ठाकुर जी स्वीकार ही कर लेते हैं। न जाने कौन से पर दया निधि